हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसी लाइव चैनल। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, कि जैसे सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा का कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, और जिन किन्हीं को भी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने एक होमवर्क किया था, ठीक है, उसे पहले देखते हैं। क्या था होमवर्क, ये देखें क्या बोल रहा है कि 1+√3+√4+1/√4+√5... क्या बोल रहा है, 1/√8+√9, ये दिया है। इसको मतलब ऐड करना है सबको, ठीक है। करने के बाद क्या बोल रहा है, क्या आएगा परिणाम वो बताना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको क्या करते हैं, हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, बड़े नंबर को पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, मतलब कि √4+√3 करेंगे, ठीक है, ताकि हमें जोड़ने और घटाने में आसानी हो, ठीक है, समझ में, क्योंकि ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, उदाहरण से क्या करेंगे, ये भी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, √5+√4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, +1/√6+√5+ क्या है, 1/√6+√7+1/√8+√7+ क्या है, 1/√9+√8, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, समझ। हम लोगों ने इसके बड़े से छोटे में लिखा है, ताकि हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग अगर प्लस का साइन रहता है तो माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसे बड़े से छोटे में रखें ताकि हमें घटाने में आसानी हो, ठीक है। आगे चलते हैं, और उसको करेंगे रेशनलाइज करते चलेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो इसका कितना आएगा आंसर, आएगा क्या, −√3 आएगा। उसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, √5−√4, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पिछले क्लास आप लोग देख सकते हैं, जहाँ हमने रेशनलाइजेशन किया था, समझा था कि कैसे हम रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर इस तरह से ये क्या हो जाएगा, √6−√5+ क्या हो जाएगा, √7−√6+√8−√7+√9−√8, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, ठीक है, चलिए करते हैं। देखें क्या है, या √4 से √4 ये कट जाएगा, प्लस माइनस था, √5 से √5 भी कट जाएगा, √6 से √6 से 7 से 7 भी कट जाएगा, 8 से 8 भी कट जाएगा, बच गया क्या हमारा, −√3 और +√9, ठीक है। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 9 का √√ क्या हो जाएगा, 3 और −√3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने, जैसे इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा क्या करेंगे, उसको छोटे बड़े से छोटे में लिखने की कोशिश करेंगे, क्यों, तो ताकि हमें आगे घटाने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, फिर चलते हैं आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं, जो कि हमारा क्या है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसमें से हम लोग कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि हमारे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे, पर इसको हम लोग कैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा में, तो इसमें हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। पर एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे, काफ़ी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, काफ़ी बार 1 से 2 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कभी एक बार पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये आज कवर करेंगे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसमें से क्या बोल रहा है, पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, a+b² होल स्क्वायर, दूसरा क्या है, a-b² होल स्क्वायर, फिर क्या है, a² - b² उसी तरह से a प्लस बी
अगर ऐड कर देंगे क्या होगा, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो सबको हम लोग एक एक करके आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे सबको इस्तेमाल करना है। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ध्यान देंगे, पहला फॉर्मूला क्या हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान देना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। बेटा से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान देंगे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ध्यान देंगे, अब क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, क्या है ये फर्स्ट हमारा हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था वो हमारा सेकेंड हो गया। क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एक बार क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। अगर ध्यान दिया जाए, अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, ध्यान देंगे, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया इक्वेशन का, ये हमारा इक्वेशन ही है ना, इक्वेशन का ये लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं, राइट वाला को राइट के साथ जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ध्यान देंगे, यहाँ जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो दो बार ए स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे, दो बार बी स्क्वायर है तो क्या करेंगे, दो बार बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, टू ए बी और टू ए बी ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस है, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, टू कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम लोग क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे इसी तरह पर एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है, समझ में। हम लोगों ने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। उसी तरह से अगर देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगले केस में, ये केस नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट, ठीक है। उस तरह से केस सेकंड देखा जाए, क्या करते हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों घटा दिया जाए तो क्या आएगा हमारा, ध्यान देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ध्यान देंगे। अब क्या करें, हम उसको घटाना है तो घटाएंगे, देखेंगे ये माइनस हो जाएगा तो क्या जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कट जाएगा, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, ए ए कट गया तो कट गया, उसी तरह से बी बी भी कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ये हमारा प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, फोर ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर ए बी हो जाएगा, समझ में। टू ए बी यहाँ था, टू ए बी ऐड हो गया, क्या हो गया, फोर ए बी हो गया, समझ में। ए स्क्वायर तो कट गया, बी स्क्वायर भी कट गया, क्यों, ये प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस, तो हमारा क्या बन गया, अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़े तो हमारा क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ ध्यान देना है इस चीज़ को, इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करना है, इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ सीखा है, ध्यान देना है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देना है। मान लीजिए दो भी कोई दिया हुआ नंबर है, अगर उसको स्क्वायर का सम करेंगे और स्क्वायर करेंगे और उसका माइनस करके अगर सम करेंगे तो हमारा उसका वैल्यू क्या आएगा, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। उदाहरण से कोई नंबर है उसका स्क्वायर किए और माइनस करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तो क्या आएगा, फोर ए बी आएगा, ठीक है, समझ में। इसी पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देना है। मान लीजिए हमने क्या लिखा, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है, कैसे कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, 65 प्लस 34 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो गया, 65 माइनस 34 का स्क्वायर बाई क्या हो गया, 65 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर। उधर से एक क्वेश्चन और लिखे हमने, क्या लिखा कि 3.027 प्लस 1.317 का स्क्वायर प्लस 3.027 माइनस 1.317 का स्क्वायर होल स्क्वायर बाई क्या हो गया, 2 इंटू
3.027 का स्क्वायर प्लस 1.317 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ध्यान देना, इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एग्जाम में कैसे क्या बोले जाते हैं कि मान लीजिए ये नंबर दिया गया है, इस नंबर को सॉल्व करें, ठीक है, ध्यान देना है, बोलेगा इस नंबर को सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है। अब तो क्या ऐसा नहीं करें कि पता चला इसको सम कर रहे हैं, इसको सम किए दोनों को, सम करके फिर स्क्वायर स्क्वायर निकालें, फिर इसको माइनस किए उसका स्क्वायर निकालें, उसके बाद फिर हम लोग इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर करके सम किए, तो ये हमारा प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी को ही सॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने सीखा है ये फॉर्मूला। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने पीछे ये फॉर्मूला देखा है, इसी को ही सॉर्ट करने के लिए देखा है, ये वाला देखें, ध्यान देना है ये वाले फॉर्मूला, तो उसी को अप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे, तो ये देख रहे हैं ये क्या हमारा है, मान लीजिए 65 को ए मान लिया, ये हमारा ए है, ये बी हो गया, ठीक है, उस तरह से ये ए है, ये बी हो गया, ये ए है, ये बी हो गया। अब ध्यान देना है क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ध्यान दें क्वेश्चन को क्या ध्यान देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, और उसको किससे डिवाइड करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, अगर इससे डिवाइड करना है, ध्यान देना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, दो आएगा। क्यों दो आएगा, उसको हम देखेंगे, क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, होता है कि नहीं होता है। अब बाई क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, तो वही है हमारा है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना है। तो जैसे ही क्या दिख जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटा में क्या रह जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस कंडीशन में क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। इस चीज को ध्यान देना है, जैसे यहां पर भी वही उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना क्या होगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ध्यान देना है, उसी तरह से ध्यान देना पर क्या है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब क्या है यहाँ, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं इतना का मतलब क्या होता है, इतना जो भी नंबर है इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, हम लोगों ने यहाँ से देखा है, यही था ना, इससे हम लोगों ने देखा इतना का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, और बाई क्या दिया हुआ है, 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। ठीक है, समझ में आया कि इसको हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कोई नंबर ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड किए, बाई क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम ना किसी तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर लिख दे 5 लिख दे, ठीक है, 5 बाई 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 2 से किया गया, तो एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग घबराना नहीं है, मान लीजिए अगर इस तरह के एग्जाम में पूछा गया हो सकता है इसका स्क्वायर भी दे दिया जाता, ठीक है, इनकेस मान लीजिए इसका स्क्वायर भी लिख देता प्लस इसका स्क्वायर लिख देता, तो हम लोग घबराना नहीं है, कभी कभी इस कंडीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें हम लोग सोचना है। ठीक है, हम लोग जो हमारे फॉर्मूले उस पर बैठाना है, जैसे हम लोग बैठाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। एग्जामिनर कभी कभी हम लोग हल्के से क्वेश्चन घुमा देते हैं, क्वेश्चन तो वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, सिर्फ क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो टेस्ट करने के लिए वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं, पर कॉन्सेप्ट वही रहता है हमारा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर हमें ध्यान देना है, तो समझ में आगे चलते हैं उसी ढंग से। ठीक है, आगे देखा जाए तो मान लीजिए इसी ढंग से अगर आगे पूछा जाए, आगे क्वेश्चन अगर बोला जाए क्या कि 87 प्लस 13 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 87 माइनस 13 का स्क्वायर बाय क्या बोल दें, 87 इंटू 13। ठीक है, उस तरह से अगला क्वेश्चन क्या बोल दें कि 14 ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको करते चलेंगे, समझते चलेंगे, एक एक पॉइंट को आसानी से हम लोग करते चलेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो हम लोग कर पाए।
डराने के लिए एग्जामिनर कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को फिर बेसिक पर ध्यान देना है, हम लोग फॉर्मूला भी ध्यान देना है। हम लोग यहाँ फिर देख लिया क्या दिख गया, अब दिख रहा है ए एस प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस दिख गया है। जैसे ही हम लोग को माइनस दिख जाता है, ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देना है, हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, ये जैसे ही दिख जाता क्या है ए माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई क्या दिया हुआ है ए इंटू बी, ध्यान देना है। इस तरह कंडीशन में अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हो गया हो, ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा ना फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, एग्जामिनर अलग अलग नहीं देंगे। मान लीजिए इस तरह के अगर माइनस दिए तो यहाँ देंगे ए इंटू बी ही देंगे, ऐसा नहीं देंगे कि 87 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं देंगे, हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, सिर्फ डिजिट बदलते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू हम लोग ने अभी लाया है क्या होता है 4ab होता है, ठीक है, और बाई क्या है ab, तो ab से ab कट गया क्या आ गया आंसर 4 आ गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको टोटल वैल्यू कितना जाएगा इसका, हमेशा क्या आएगा वैल्यू 4 आएगा। इसको हम लोग को अगर सिंप्लीफाई भी करेंगे, अगर इसको हम लोग सोल्व भी किए क्वेश्चन, तो क्या आएगा आंसर, हमेशा क्या आएगा 4 होगा। क्यों होगा, हम लोग को बेसिक ध्यान देना है, हमारा इस पर सेट होना चाहिए, ये हमारा जो फॉर्मूला है इस पर सेट होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई अगर a इंटू बी हो, तो उस कंडीशन में क्या आएगा हमेशा आंसर 4 आएगा, ठीक है। उधर से यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी दिख रहा है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई क्या है a इंटू बी इंटू, एक दिख रहा है एक नया टर्म आ गया, क्या आ गया रूट 9 आ गया। तो हमको पता है, हम लोगों को पता है क्या इतना का वैल्यू, हमें जानते हैं, हम लोग जानते हैं इतना का वैल्यू क्या आता है, इतना का वैल्यू क्या आता है 4 आता है, हम लोग को पता है। तो 4 बाई क्या है रूट 9 है, तो रूट 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आए किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आगे देखा जाए तो इसी टाइप पर अगले क्वेश्चन क्या है, क्या कर सकता है अगला एग्जामिनर, इस तरह से लिख सकता है, क्या लिख सकता है 97 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है भाई, क्या कर सकता है 97 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 97 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या करेगा क्वेश्चन को ही उलट देगा, क्या करेगा क्वेश्चन को ही उलट देगा। कहने का मतलब जैसे हम लोग पिछले बार देखे थे क्या, कि ऊपर क्या था a प्लस बी का, पहले ऊपर क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब क्या किया है कि उसी को ही क्या कर दिया उलट दिया है, अब न्यूमरेटर जो था उसको क्या कर दिया डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया न्यूमरेटर बना दिया, क्या कर दिया यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कर दिया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे ध्यान देना है, बस वही है, हम लोग पहले क्या था उल्टा था तो आंसर 4 आता था, अब क्या कर दिया इसको उलट दिया है, ठीक है, सीधा था तो पहले था तो 4 आता था, जैसे क्या कर दिया क्वेश्चन को उलट दिया, तो इसको हम लोग को भी 4 को उलट देंगे, क्या जगह 4 को उलट देंगे तो क्या जगह 1/4, इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, समझ में। तो यहाँ भी वही चीज़ है, क्या कर रहा है इसको उलट दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे क्या दिया हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा इसका आंसर हमेशा 1/4 होगा। जैसे ही पैटर्न को बदल दिया, ध्यान देना एग्जाम में हमेशा पैटर्न पर नहीं होता है, फिक्स्ड पैटर्न पर नहीं होता है, बस खाली नंबर डिजिट आगे पीछे थोड़ा से कर सकते हैं, तो इस पर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो ये हमारा हो गया, आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूले पर, ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखा जाए क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इस पर देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आता है ए प्लस बी इंटू क्या है ए माइनस बी, यही होता है, ठीक है। तो इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे, क्या पूछे जाते हैं कि इस तरह से ध्यान देंगे, क्या बोल देंगे कि 2+1 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 के पावर 4 प्लस 1, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकता है 3+1, ठीक है, क्या बोल सकता है 3² + 1, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग को घबराना नहीं है। ध्यान देना है
क्या बोला गया है कि जैसा ही बोल दे ये हमारा फॉर्मूला है, इस पर हमें ध्यान देना है। हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ध्यान देना है। जैसे क्या दिख जाए, कोई दो नंबर है उसका स्क्वायर माइनस दिख जाए, हम लोग क्या करते हैं एक बार उसको जोड़ते हैं, एक बार हम लोग घटाते हैं। तो जरा से क्वेश्चन ये हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान देंगे तो हमें यहाँ सिर्फ प्लस प्लस ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सिर्फ प्लस प्लस ही दिख रहा है, यहाँ तो माइनस हमें दिख ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग माइनस करने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है, ताकि हमारा आंसर आ पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, टू माइनस वन से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, टू माइनस वन से गुना कर देंगे और टू माइनस वन से डिवाइड कर देंगे, ध्यान देना है। टू माइनस वन से गुना कर देंगे और टू माइनस वन से डिवाइड कर देंगे ताकि इस क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है। तो आगे चलेंगे, अब ध्यान देंगे, अब देखें देंगे ये क्या बन गया, ए बन गया, ये बी बन गया, ये क्या हमारा हो गया, ए हो गया या बी हो गया, देखेंगे। अब ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, ठीक है, तो क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, दो का स्क्वायर माइनस वन होगा, होगा कि नहीं होगा, इंटू क्या आ गया, दो का स्क्वायर प्लस वन, फिर क्या है, दो का पावर चार प्लस वन, फिर यहाँ पर ध्यान देंगे क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या इसको लिख सकते हैं, दो के पावर चार माइनस वन, और क्या आ जाएगा, दो के पावर चार प्लस वन, ये दिया गया है। फिर भी यहाँ ध्यान देंगे, ये भी क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा हमारा, दो के पावर आठ माइनस वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, वो उसी तरह से यहाँ दिया गया है, यहाँ भी हम लोग उसी तरह से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, थ्री माइनस वन से इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे थ्री माइनस वन से, ठीक है। तो अब क्या आएगा, ध्यान देना है, अब क्या आएगा, अब चलेंगे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो गया, थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो गया, अब बाई क्या हो जाएगा, टू। यहाँ ध्यान देना है, टू कैसे है, थ्री माइनस वन किए तो टू आया, यहाँ पर टू क्यों नहीं आया, तो ध्यान देना है, दो में से अगर एक घटाएंगे तो एक ही होगा, अगर एक लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए हम लोगों ने एक नहीं लिखा, पर यहाँ हम लोग क्या करना पड़ेगा, दो लिखना पड़ेगा, ध्यान देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, दो लिखना ही पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे, फिर क्या जाएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस वन, फिर क्या है, थ्री के पावर फोर प्लस वन, ठीक है, उसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, थ्री के पावर फोर माइनस वन, थ्री का पावर फोर प्लस वन, फिर क्या जाएगा, सॉरी, ठीक है, बाई क्या जाएगा, टू है, ठीक है, इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, थ्री का पावर एट माइनस वन बाई टू हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आए। किस तरह से हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है, अगर किसी को कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उसे हम लोग और भी इम्प्रूव करें, ताकि उसे समझने में हम मदद कर पाएं, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, अगर आगे देखा जाए, अगर इसी तरह से अगर पूछा जाए क्वेश्चन, क्या बोला जाए, 0.0324 माइनस 0.121 बाई 0.07, उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या बोला जाए, 6.76 माइनस 2.25 बाई 1.1, ठीक है, उसी तरह से ये अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.0324 माइनस 0.0121 बाई क्या है, 0.07, ठीक है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ध्यान देंगे। अब सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक क्या है कि इसको हम माइनस कर दें, उसके बाद डिवाइड करें, जो कि हमारे बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही लंबा है। अब इसको मान लीजिए हम लोग घटाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे सात से, हम लोग काफ़ी लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना है, जो हमारे नंबर है 0.0324, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.18 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ध्यान देना है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, उस तरह से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग माइनस 0.11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यही होता है ना, 18 का स्क्वायर
324, अब चार डिजिट था तो दो डिजिट के पीछे डेसिमल पड़ेगा, इधर से यहाँ क्या था 121, 11 का होता है स्क्वायर, ठीक है, ये चार डिजिट मतलब डेसिमल दिया गया था, तो उसको हम लोग रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नंबर के पीछे डेसिमल आएगा, ठीक है, बाई क्या हो गया 0.07 हो गया। अब ध्यान दे रहे हैं, यहाँ दिख रहा होगा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब ध्यान देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है हमारा, इसको क्या ले सकते हैं 0.18, एक बार जोड़ते हैं, एक बार क्या करते हैं घटाते हैं, यही करते हैं ना, ध्यान देना है, एक बार क्या करते हैं जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, अब आई क्या आ गया 0.07 हो गया। अब ध्यान देंगे इसमें से अगर 0.818 से माइनस करेंगे 0.11 तो ध्यान देंगे क्या आ जाएगा 0.07 आ जाएगा, जो कि ये कट दिया जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा सिर्फ ये ऊपर वाला, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 0.29, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, उसी ढंग से इसको भी सॉल्व करना है, तो इस क्या हो जाएगा ये हमारा, ध्यान देंगे क्या हुआ हमारा, इसको क्या लिखा लिख सकते ध्यान देना है, तो क्या ले सकते हैं ध्यान देना है, ये हमारा क्या होगा 676 किसका होता है 26 का स्क्वायर होता है, ध्यान देना है किसका होता है 26 का स्क्वायर, तो दो डिजिट के पहले था डेसिमल तो उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा एक डिजिट के पीछे आ जाएगा, फिर तरह से क्या था 225 किसका था 15 का स्क्वायर होता है, तो क्या करेंगे इसको 1.5 लिखेंगे, क्या जाएगा 1.5 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 1.1 हो गया, होगा कि नहीं हो गया, अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.6 प्लस क्या हो जाएगा 1.5 क्या हो गया इंटू 2.6 माइनस 1.5 बाई क्या हो गया 1.1, ध्यान देंगे 2.6 में से 1.5 का चला गया तो क्या जाएगा 1.1 हो जाएगा जो कि कट जाएगा, बच क्या गया गया तो 2.6 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा 4.1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यही, ठीक है, तो समझ में, इस तरह से एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि एक पैटर्न से हमें दिखाई दे रहा है, क्या पैटर्न से दिखाई दे रहा है, तो मान लीजिए हम लोगों ने क्या देखा कि मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अब ध्यान देना है अब कोई यहाँ नंबर दिया गया है ए माइनस बी, ध्यान देना है हम लोगों ने यहाँ देखा क्या देखा कि कोई नंबर दिया हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसका माइनस किया दिया पहले से ही, ध्यान देना है अगर इसको हमें देखना है कि पहले ही देख लेना है क्या 18 में से 11 क्या क्या बच गया 7 बच गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमेशा क्या होगा a प्लस बी होगा, होगा कि नहीं होगा, उस तरह से अगर दे दिया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई क्या हो गया a प्लस बी, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, इसको हमें ध्यान देना है कि हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतने करने की प्रोसेस करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, ध्यान देना है इतना हम लोग प्रोसेस करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, सीधा देख लेंगे क्या है हमारा यहाँ माइनस हो रहा है माइनस दिया गया है, तो माइनस दिया गया है तो क्या देखो सीधे हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते कमेंट के जरिए, आज का सेशन इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।